सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम घूमने जाएंगे मधुसूदन पार्क, मधुसूदन दास पार्क ये इसका नाम है भुवनेश्वर में, जो कि है ये आपको खंडगिरी से पोखरीपुट के रास्ते में जाओगे तो वहाँ पे एक मिशन शक्ति भवन का नाम से ऑफिस है, उसके बिल्कुल फ्रंट में ही ये पार्क है। यहाँ सुबह से लेकर सुबह 5 बजे ये पार्क खुल जाता है, टाइमिंग देख सकते हो 5 बजे से रात को 9 बजे तक खुला रहता है। और आज का पूरा व्यू लेंगे इस पार्क का हमने, और साथ में आप लोगों को भी दिखाएंगे। कभी भुवनेश्वर आते हो तो ये पार्क में ज़रूर आना घूमने के लिए, बहुत अच्छा पार्क है। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो आज हम फाइनली यहाँ घूमते हैं, यहाँ हम एंट्री कर चुके हैं। एंट्री करने के बाद स्केटिंग बोर्ड पे आए हैं यहाँ पे, जहाँ पे सारे बच्चे लोग स्केटिंग करते थे। तो वहाँ से हम सोचे कि पहले आपको ये रास्ता दिखा दे, कितना बड़ा पार्क है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत घूम लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या अवेलेबल है और कैसे कैसे क्या होता है। तो सुबह यहाँ पे लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए बेसिकली, और शाम को भी आते हैं लोग यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हो बच्चों के लिए गार्डन है, बहुत अच्छा प्लेग्राउंड है यहाँ पे। और ये तो स्लिप करने के लिए जो बच्चों के लिए बना हुआ है यहाँ पे, तो सीढ़ी टाइप का है, यहाँ से बच्चे चढ़ेंगे और दूसरे साइड से स्लिप करेंगे। ये जैसे आप लोग अपने बच्चे को भी लेकर आना यहाँ पे घुमाने के लिए। आज पूरा व्यू लेंगे इसका। तो ये बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है छोटे बच्चों के लिए, यहाँ पे है स्केटिंग के लिए है, झूला वगैरह यहाँ पे डाला हुआ है। पार्किंग की बात करें तो पार्किंग इसके फ्रंट में ही होता है, इसके लिए कोई टिकट वगैरह नहीं लगता है, बाकी ओन रिस्क है, आपका रिस्क में ही पार्क कर सकते हो आप। और जो ये दीवार दिख रहा है उस साइड में आपको एयरपोर्ट मिल जाता है, एयरपोर्ट का जो दीवार है ये जो बीजू पटनायक एयरपोर्ट है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। अभी प्लेग्राउंड ये हमने पूरा दिखा दिया आपको, और थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ने के बाद फिर से हमने यहाँ पे आ गए स्केटिंग में, जहाँ पे बच्चे लोग स्केटिंग करते हैं, यहाँ पे सीखते भी है, यहाँ पे नए नए बच्चे जाके सीखते हैं और कोई भी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। अब देख सकते कितने अच्छे शानदार तरीके से ये लोग सेटिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पे देखने को बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेते हैं स्केटिंग को। स्केटिंग आपको यहाँ पे इवनिंग टाइम में ही मिलेगा देखने के लिए। चलो अब स्केटिंग ख़त्म करते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कैसा नज़ारा है इस पार्क का, थोड़ा बहुत घूम फिर कर देखते हैं। अब स्केटिंग ख़त्म होने के बाद ये जो रास्ता है, अब यहाँ पे वॉकिंग करने के लिए रास्ता दिया गया है, बीच बीच में पार्क है बैठने के लिए है, यहाँ पे बगीचा है फूलों का, बहुत सारे फूल आपको वेराइटी फूल देखने को यहाँ पर मिल जाता है, अलग अलग प्रकार का फूल है यहाँ पर। और वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्क है, अगर आपको स्लो मोशन में दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट कर लिया हूँ इस वीडियो को। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ा पार्क है, इसलिए मैंने फास्ट करके वीडियो को दिखा दिया आपको। अब ये वॉकिंग करने के लिए तो बहुत अच्छा जगह है, आप लोग सुबह आ सकते हो, शाम को भी आ सकते हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं वॉकिंग करने के लिए। ये इतना बहुत बड़ा पार्क है ये, आप कभी आओगे तो घूमोगे तो आपको पता चल पाएगा कितना बड़ा पार्क है। फिर से हमने वही बच्चों का जो गार्डन था जहाँ पे झूला वगैरह था, स्लीपिंग था, स्लिप कर रहे थे बच्चे, तो वहाँ पे फिर से हमने आ गए, थोड़ा बहुत यहाँ पे बच्चों का देखेंगे। अभी हमने आते आते यहाँ पे शाम हो चुका है, अभी थोड़ा थोड़ा शाम हो गया है, तो जैसे पूरा शाम हो जाता था बच्चे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ झूला झूलने के लिए, खेलने के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा वॉकिंग के लिए भी लोग आ चुके हैं यहाँ पर,
जो हमें दिन था जब 3 बजे तब तो कोई नहीं आया था यहाँ पे। शाम हो गया, थोड़ा क्लाउडी रहता है यहाँ पे। ये सब चीज़ देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो में पूरा कवर कर पाया होगा इस जो पार्क था मधुसूदन दास पार्क जो भुवनेश्वर में है, इसको पूरा कवर पाया होगा। अब तो रात हो चुका है, अब निकलते हैं यहाँ से। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।